स्क्रीन पर गणित की जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसे दुनिया की सबसे सुंदर इक्वेशन कहा जाता है। कारण, इस एक इक्वेशन में गणित की 5 सबसे बेसिक संख्याएं आती हैं, 0, 1, π, i और e। इस इक्वेशन को ईजाद करने वाले शख्स का नाम था लेनहार्ड आयलर, जिन्हें आधुनिक इतिहास का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है। अपने आखिरी दिनों में आयलर की आंख की रोशनी चली गई, इसीलिए वो बैठे बैठे दिमाग में गणित की अबूझ पहेलियां सुलझाया करते। ऐसी एक पहेली थी जो आयलर से सुलझाए न सुलझ रही थी। आखिर में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस पहेली को सुलझाना असंभव है। इस घोषणा के 177 साल बाद 26 अप्रैल 1959 को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुखपत्र पर एक हेडलाइन छपी, 177 साल पहले लगाया गया गणित का एक अनुमान फेल हो गया। आयलर की पहेली सुलझाई जा चुकी थी और ऐसा करने वाले थे 2 भारतीय गणितज्ञ। क्या थी आयलर की पहेली, कौन थे उसे सुलझाने वाले भारतीय गणितज्ञ, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। Brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. शुरुआत 19 अक्टूबर 1917 से। क्या हुआ था इस रोज? मध्य प्रदेश के सागर में एक दंपत्ति के यहाँ जन्म हुआ, शरद चंद्र शंकर श्रीखंडे का। उनके पिता आटा चक्की में काम करते थे। 12 लोगों का परिवार आर्थिक मुसीबत से जूझ रहा था उन दिनों। इसके बावजूद श्रीखंडे के पिता ने उनके शिक्षा का इंतजाम किया। श्रीखंडे पढ़ने में भी अच्छे थे और स्कॉलरशिप के दम पर उन्होंने नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से BSc ऑनर्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अपनी आत्मकथा में श्रीखंडे लिखते हैं, पढ़ाई के बाद मैं नौकरी की खोज में था, लेकिन नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे में श्रीखंडे ने जनवरी 1940 में कलकत्ता का रुख किया। यहाँ उन्हें PC महलानोबिस के बनाए इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI में नौकरी मिली। ISI में श्रीखंडे की मुलाकात हुई राजचंद्र बसु से, जो श्रीखंडे के गुरु और रिसर्च में उनके साथी बने। राजचंद बोस भी कहते हैं इन्हें। अब इन दोनों ने मिलकर कॉम्बिनेट्रिक्स में रिसर्च शुरू की। कॉम्बिनेट्रिक्स यानी गणित की वो शाखा जिसमें चीज़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया जाता है। उदाहरण के लिए, रोज सुबह अखबार में आने वाले सुडोको का खेल, जो संख्याओं के कॉम्बिनेशन पर आधारित होता है। श्रीखंड ने ISI में एक साल काम किया। इसके बाद वो नागपुर चले गए और वहां गणित के लेक्चरर हो गए। इसके बाद भी उनका राजचंद्र बोस से रिलेशन बना रहा। बोस ने श्रीखंडे को स्टैटिस्टिकल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नाम के एक फील्ड से रूबरू करवाया। अब इन सारी चीजों को आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक किसान अपने खेत में 3 अलग अलग उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स टेस्ट करना चाहता है। अब इसके लिए आम तरीका क्या होगा? बारी बारी से हर उर्वरक को डालकर किसान ये नतीजा निकालेगा कि कौन सा उर्वरक सबसे अच्छा है। लेकिन ये तरीका एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, दूसरा आप ये भी नहीं पता कर पाओगे कि जमीन के किस हिस्से पर उर्वरक ने क्या असर डाला। संभव है कि अलग अलग नमी पर उर्वरक अलग अलग असर देता हो। 1920 में R.A. फिशर नाम के एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन ने इसके लिए एक नया तरीका आजमाया था। उन्होंने जमीन को 3x3 के हिस्सों में बांटा और फिर उर्वरक को इस तरीके से डाला कि किसी भी रो या कॉलम में कोई उर्वरक एक से ज्यादा बार न आ पाए। स्क्रीन पर दिए फिगर से आप बेहतर समझ सकते हैं। इसमें उर्वरकों को 1 से 3 की संख्या दी गई है। इस तरीके से जमीन के अलग अलग हिस्सों पर उर्वरक के असर को बेहतर तरीके से स्टडी किया जा सकता है। फिशर ने जिस तरीके से उर्वरकों को डाला, उसे लैटिन स्क्वायर कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे फिगर को आप देखते रहिए। किसी भी लाइन में कोई भी आंकड़ा रिपीट नहीं हो रहा है। अब इस लैटिन स्क्वायर का स्टेटिस्टिक्स में खूब इस्तेमाल होता है। इसका और बेहतर इस्तेमाल समझने के लिए एक और उदाहरण को आपको देखना चाहिए। उर्वरक वाले उदाहरण में मान लीजिए आप 3 उर्वरकों के साथ 3 अलग अलग फसलें भी हैं और आपको स्टडी करना है कि अलग अलग जमीन के टुकड़े पर अलग अलग फसलों पर अलग अलग उर्वरकों का असर क्या होता है। तो इसके लिए हम एक और लैटिन स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है फिगर में देखिए, इसमें अलग अलग फसलों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है और किसी भी लाइन में कोई भी रंग रिपीट नहीं होता। इस तरह फसलों को जमीन पर बोया गया है तो ये भी लैटिन स्क्वायर बन जाएगा। अब पहले उर्वरकों का जो लैटिन स्क्वायर बना था, उससे और इस स्क्वायर को मिला दीजिए तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा जो अब आपको दिख रहा है। इसमें हर खाने में नंबरों और रंगों का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसी भी लाइन में कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होता, न रंग और न ही संख्या। इस तरीके में खास बात यह है कि इस तरीके से आप जमीन के एक टुकड़े पर एक समय में एक साथ 3 फसलों और 3 उर्वरकों के असर को स्टडी कर सकते हैं। इस उदाहरण में हमने 2 लैटिन स्क्वायर्स बनाए थे और उन्हें आपस में मिलाया तो वो भी लैटिन स्क्वायर ही बने। तो ऐसे लैटिन स्क्वायर्स को ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर कहा जाता है।
हमने जैसे दो लैटिन स्क्वायर को आपस में मिलाया, वैसे ही तीन चार पांच स्क्वायर जोड़कर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं जहां एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। मसलन मेडिकल रिसर्च, जहां आपको एक दवाई का परीक्षण अलग अलग उम्र वजन लिंग वाले मरीजों पर करना होता है। इन्हीं लैटिन स्क्वायर से जुड़ी थी आयलर की वो पहेली जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। क्या थी ये पहेली जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज है। भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम लिए बिना कोई बात नहीं हो सकती। उनके जीवन से जुड़ी एक कमाल की ऑडियो बुक लेकर आए हैं कुकू एफएम, और साथ ही लाए हैं एक जबरदस्त ऑफर भी। इस दिवाली कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी 50% की छूट। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड, कोड है DIWALI50, दिवाली 50। इतना ही नहीं, पहली बार कुकू एफएम लाया है आपके लिए 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर आप इस लकी ड्रॉ में शामिल होंगे जिसमें आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू कार, सोने के सिक्के और गिफ्ट वाउचर्स। ध्यान दीजिए, ये ऑफर सिर्फ 18 से 25 अक्टूबर तक के लिए उपलब्ध है 2022। बाकी डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां एक आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब अपनी स्टोरी पर लौटते हैं। हम बात कर रहे थे आयलर की पहेली की। उर्वरकों वाले उदाहरण में हमने 3x3 का लैटिन स्क्वायर बनाया था, इसलिए इस स्क्वायर का ऑर्डर हो गया 3। आयलर ने कोशिश की कि 3 से ऊपर ऑर्डर के लैटिन स्क्वायर्स बनाए जाएं जो आपस में ऑर्थोगोनल हों, यानी 4x4, 5x5 और 6x6। लेकिन शर्त वही थी, किसी भी रो या कॉलम में कोई संख्या रिपीट होनी नहीं चाहिए। आयलर ने पाया कि 6x6 के ऐसे लैटिन स्क्वायर बनाना संभव नहीं है जो आपस में ऑर्थोगोनल हों। बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण फिर से देख लीजिए। मान लीजिए एक मैदान में 36 आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं। ये 36 ऑफिसर्स 6 अलग अलग रेजिमेंट्स के हैं, यानी हर रेजिमेंट के 6 ऑफिसर। इसके अलावा हर रेजिमेंट का हर अफसर अलग अलग लेवल का है, मसलन कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट इत्यादि। इन 6 रेजिमेंट्स को हम 1 से लेकर 6 की संख्याओं से दर्शा लेते हैं और अलग अलग पदों को रंगों से। अगर हम एक ऐसा लैटिन स्क्वायर बनाने की कोशिश करें जिसमें किसी भी लाइन में कोई भी रेजिमेंट रिपीट ना हो, तो ये किया जा सकता है। एक लैटिन स्क्वायर ऐसा भी बन सकता है जिसमें एक लाइन में कोई पद रिपीट ना हो, लेकिन इन दोनों को मिलाकर क्या एक ऐसा लैटिन स्क्वायर बन सकता है जिसमें किसी भी लाइन में ना रेजिमेंट रिपीट हो ना लेवल, यानी किसी भी लाइन में ना कुमाऊं रेजिमेंट के 2 अफसर होने चाहिए ना ही 2 कर्नल। आयलर ने खूब दिमाग लगाया और वो इसका हल ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने घोषणा की कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा सिर्फ 6 ऑर्डर के लैटिन स्क्वायर के लिए नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी संख्या जिसे 4 से डिवाइड करने पर 2 बचता हो उसके लिए संभव नहीं है। मसलन 10, 14, 18, 22 आदि, यानी इन ऑर्डर्स के लैटिन स्क्वायर्स आपस में ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते। इस पहेली को तोड़ने की कई बार कोशिश हुई। साल 1901 में एक फ्रेंच गणितज्ञ गैस्टन तेरी ने प्रूव कर दिया कि ऐसा संभव नहीं। फिर 1959 के आसपास 3 लोगों ने इस पहेली का हल निकाला। ये 3 लोग थे आरसी बोस, शरद चंद्र श्रीखंडे और ईटी पार्कर। श्रीखंडे और बोस इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में काम कर रहे थे। बोस 1949 से यहां बतौर फैकल्टी कार्यरत थे, वहीं श्रीखंडे ने 1947 में यहां अपनी PhD शुरू की थी। इत्तेफाक ये भी था कि श्रीखंडे बोस के पहले PhD स्टूडेंट भी थे। दोनों ऑर्थोगोनल लैटिन स्क्वायर की इस समस्या पर काम कर रहे थे। जब इन दोनों को ईटी पार्कर का साथ मिला तो तीनों ने मिलकर इस समस्या का हल निकाला, और अंत में ये साबित किया कि 22x22 और 10x10 के ऐसे ऑर्थोगोनल स्क्वायर बनाए जा सकते हैं। 1959 में तीनों ने मिलकर ये रिजल्ट अमेरिकन मैथ्स एसोसिएशन के सामने पेश किया। बोस उस दिन के बारे में याद करते हुए बताते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के साइंस एडिटर हमसे मिलने आए। मैं एक छोटे से होटल में रुका हुआ था। अगली सुबह जब मैं बिल चुकाने गया तो होटल के कैशियर ने मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या ये आपकी तस्वीर है? कैशियर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी बोस, श्रीखंडे और पार्कर की फोटो उन्हें ही दिखा रहा था। बोस ने जवाब दिया, हाँ ये मैं ही हूँ। तब कैशियर ने कहा कि आपने ज़रूर कुछ बड़ा काम किया होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर करोड़ों डॉलर देकर भी तस्वीर नहीं छपवाई जा सकती। श्रीखंडे के बेटे मोहन तब स्कूल में पढ़ते थे। उस रोज उनकी टीचर ने उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके पिता की तस्वीर दिखाई। अखबार में 10x10 का वो लैटिन स्क्वायर भी छापा था जिसने आयलर की बात को गलत साबित किया था। इस खोज के बाद 1960 में श्रीखंडे भारत लौटे और 3 साल उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी, BHU में। 1963 में वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी मैथ्स डिपार्टमेंट के हेड हुए और 1978 में रिटायर होने तक इसी पद पर बने रहे। 1988 में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो अमेरिका अपने बच्चों के पास रहने चले गए। 2009 में भारत लौटे और अप्रैल 2020 में 102 साल की उम्र में उनका निधन हुआ।
चल चलते आपको ये भी बता दें कि आज की तारीख का चंद्रशेखर लिमिट की खोज करने वाले वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से भी संबंध है। उनका जन्म भी 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था। चंद्रशेखर लिमिट की कहानी हम आपको तारीख के पिछले एपिसोड्स में सुना चुके हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।